मैं नेगेटिव चीजें अवॉइड करता हूँ दिखाना, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। जो भी यहाँ पे आए पार्टी करे, सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन ये है जी पूरी। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से भाई साहब काट रहे हैं। अब तो मेरा और ज्यादा दिल करने लग गया, ये तो आलू की तरह लग रही है। ओए 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 ओए, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। चेक दिस आउट, कितने मजे की यार। वो देखें ऑरेंज और पर्पल लाइट आ रही है वहां से, क्या हसीन मंजर है सुबह का। सुबह हो रही है जी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद वंस अगेन जी। ट्रांसफॉर्मेशन का आज डे 3 है और सुबह के 7 बजने में से 1 मिनट अभी बाकी है। मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही खुशगवार मौसम है और आसमान के कलर्स बहुत ही आला हैं। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे जाऊंगा और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हम इसको व्लॉग को बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इसको। साथ रहिएगा, आपको आज इस्लामाबाद के एक बहुत ही मज़े वाले पार्क में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे आज हम जाके करेंगे जनाब रनिंग एंड वॉकिंग। सो लेट्स गो। ओए होए यार, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, हाथ फ्रीज होने लग गए। मैंने ये वाले ग्लव्स पहने हुए थे, अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार ग्लव्स चेंज करूँ। ग्लव्स मैं लेके आया हूँ साथ और देखें, चेक करें यहाँ से सन लाइट हो रहा है। संडे है, रोड सुनसान, इक्का दुक्का बंदे जा रहे हैं, बेचारे बाइक वाले हमारी तरफ वहाँ रो रहे हैं। एनी और जी मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या और ना। ओ माई गुडनेस, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस मास्क। इसको पहनते हैं साथ में ये वाले ग्लव्स चढ़ाते हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इस्लामाबाद में बारिश हुई है, तो उस बारिश के बाद जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया भाई। कल तो मौसम अच्छा था और आज जो है ना भाई सही वाली ठंड है। सही بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। वेल जनाब, मैंने ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए हैं, मैंने फेस मास्क भी लगा लिया हेलमेट के अंदर, तो अब कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। लेकिन ठंड भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, शदीद वाली ठंड है। मैंने ठंड को बड़ा हल्के में ले लिया। ओके जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आज के रनिंग एंड वॉकिंग ट्रैक पे। ओबे यार, इसका तो गेट ही अभी बंद है। ये क्या चक्कर है। ओके जी, सुबह सुबह हो गया मेरे साथ प्रैंक। मैं आया था इस पार्क में आज, लेकिन अभी तक जो है इसका गेट क्लोज्ड है। चेक दिस आउट, ऐसा भी कभी कभी होता है, हालांकि बंद नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो क्यों बंद है, टाइम तो हो गया है 7:39। ओके जी, मैं आ चुका हूँ जैस्मिन गार्डन में, लोटस लेक पार्क में। तो मेरे साथ प्रैंक हो गया, धोखा हो गया सुबह सुबह। चेक करें और कितना बेहतरीन मौसम है और कितना बेहतरीन नज़ारा है सुबह का। चलें जी, आज की वॉक यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़े की जगह है, साथ साथ इंजॉय भी करेंगे, वॉक भी करेंगे।
ठंड का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, ये चेक करें इस तरह पानी के कतरे इसके ऊपर बने हुए हैं। ये इनके ऊपर भी ये चेक करें, उफ ये चेक करें, ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है डिक्रीज हुआ है रात को। काफ़ी मज़े की जगह है ये, और आज ठंड बहुत ज़्यादा है। एक तो कल बारिश हुई थी, डे टू में मैंने आपको दिखाया था कितना मज़े का मौसम हो गया था बारिश के बाद। आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है क्योंकि बारिश के बाद हमेशा जो है ना ठंड बढ़ जाती है, तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो है ना सुबह सुबह प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाइक पे आना फिर उसके बाद बॉडी ऑलरेडी इतनी ठंडी हो चुकी होती है ना। लेकिन कोई नहीं, मज़ा आता है, इन्हीं चीज़ों का मज़ा है। ये चेक करें जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे लगा थोड़ा स्लिपरी होगा, देखो पूरा गीला हुआ है ठंड की वजह से ना, मेटल है ना तो फुल वेट है। एनी ओ जी, डे टू का आगाज़ तो थोड़ा सा प्रैंक के साथ हुआ। मैं आपको लोटस पार्क दिखाना चाह रहा था, मेरा वो फेवरेट ट्रैक है रनिंग के लिए। उसकी फेवरेट होने की रीज़न ये है कि उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी हैं। हेलो, क्यों परेशान बैठी हो, क्या हो गया? ये सामने पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये है जिनाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और इसी की बैक साइड से सूरज ऊपर आ रहा है, बहुत ही शानदार। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, क्या पार्कों में बर्थडे सेलिब्रेट करना लाजमी होता है, और अगर लाजमी होता है तो फिर क्या गंद करना लाजमी होता है? ये मेरे पीछे देख रहे हैं इतना प्यारा सा हार्ट है, और इसके अंदर किसी महान इंसान ने जो है बर्थडे सेलिब्रेट की है। और चेक करिए लेस के पैकेट, ये बलून्स, और नीचे भी आपको गन दिखाता हूँ, ये चेक करें जी कितना ज़्यादा गन किया इस जगह को, अब कौन साफ करेगा? ये देखें फूल भी और मूँगफलियाँ भी खाते रहे यहाँ बैठ के। जगह देखें पहले आप कितनी खूबसूरत है, और कितने मज़े से इसको डेकोरेट किया गया है बैठने के लिए। और आएं जी ज़रूर यहाँ पे पिकनिक करें, जगह पिकनिक के लिए बनी हुई, लेकिन कम अज़ कम सफाई का ख्याल रखें ना। अगर आप यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, फिर साफ़ करके जाएं, जगह को वैसे छोड़ के जाएं। फिर हम कहते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इनका ख्याल रखा करें। मेरा दिखाने का मकसद, मैं नेगेटिव चीज़ें अवॉइड करता हूं दिखाना, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। जो भी यहाँ पर आए पार्टी करें, सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन हमेशा जगह को साफ़ सुथरा करके वापस जाएँ। ये चेक करें यार कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें पत्ते गिरे हुए। ये ग्रे और वाइट है, वो ब्लैक और वाइट, तो वो दो भाई होंगे, इनका एक भाई उधर है, और बाकी चार अलग है।
आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पार्क में। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 और 7, 7 हैं 8 हैं 7 हैं 7। ओके भाई लोगों, हम पहुंच गए फ्रेस्को स्वीट। यहां से करेंगे आज हम संडे का नाश्ता, हैवी वाला वॉक के बाद हैवी नाश्ता। ओके जी, फ्रेस्को स्वीट ब्लू एरिया में मौजूद हूँ और वॉक के बाद आप काफी सारे लोग कहेंगे हमारे भाई आप ये क्या वॉक करने के बाद इतना हैवी नाश्ता। तो भाई जान, वेट लॉस में बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेरा BMI है जो परफेक्ट है। मैं सिर्फ अपना स्टेमिना बिल्ड कर रहा हूँ और उसके लिए थोड़ी सी वॉक एंड रनिंग, अपने माइंड को अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। सो दिस इज द मेन थिंग। तो खाना पीना चलता रहता है यार, जिंदगी एक खाओ पियो जियो, जब मरना तो एक दिन सब नहीं है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि खाना क्या है। प्लीज आय हाय हाय यार, ये खाने चेक करो भाई। ये है जी पूरी, सही क्रिस्पी सी। इसके साथ है जी हलवा, चने नहीं, ये आलू की भुजिया है, ये कोफ्ता चने हैं, साथ में अचार है। तो ये कुछ खाया जाएगा अभी। ये सारा कुछ मैं नहीं खा रहा, मेरे साथ पार्टनर भी है, उसने भी खाना है, मैं अकेले नहीं खा रहा ये। सही है, चार ही चलने वाला टेस्ट है। ओके जी, नाश्ते के बाद अभी ये शकरकंदी नजर आई है, मैंने कहा आज इसको भी ट्राई करते हैं यार। ये इसने लिखा हुआ है जी, गरम शक्करकंदी दस्तयाब है। क्या बात है, अभी ये भाई इधर बना रहे हैं। कितने का है ये? 150 का। चलें बनाए ना, कैसे बनाते हैं पता चलता है। चलें जी, टोटली हाइजीनिक काम हो रहा है, ग्लव्स पहन रहे हैं भाई साहब। ये सीन है जी, वो हमारा टाइगर। और ये है कुछ सीन शक्करकंदी का जी। अच्छा, ये इन्होंने बॉयल करके रखी हुई है। ये यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं इस उसमें, और चेक करें प्रॉपर उसमें जो है ना, ये पैक करके दे रहे हैं। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से भाई साहब काट रहे हैं। अब तो मेरा और ज्यादा दिल करने लग गया, ये तो आलू की तरह लग रही है। स्वीट पोटैटो, चलें जी ट्राई करने लगे हैं। तो आलू है मीठा, और वो दिखाएं जी, डालें। खट्टा मीठा, पे आ गया जी चाट मसाला, उसके ऊपर
अब आ रहा है लीमू। ओए होए होए मुंह में पानी आना शुरू हो गया। यार बहुत उम्दा चीज़ है ये, मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ। हालांकि जगह जगह रोड पे मिल रही होती है, मुझे बड़ी जीप चली, पता नहीं क्या है। बेहतरीन टेस्ट है, बेहतरीन।